Redmi K20 Pro जिसका आप भैया बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, काफी बढ़िया फोन है भैया। इसमें आपको Snapdragon का 855 देखने को मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है मात्र 25,000 रुपए में, यानी इसका बेस वेरिएंट जो होने वाला है वो 25,000 रुपए का होने वाला है। बहुत ही बढ़िया फोन है। चलिए करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स, देखते हैं किस तरीके का फोन होने वाला है। सबसे पहले तो बॉक्स इस तरीके का कुछ बॉक्स देखने को मिलता है। बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक कवर जो कि भैया थोड़ा सा मजबूत है, यानी आपको फ्लेक्सिबल लेवल का कवर देखने को नहीं मिलेगा। और साथ में मिल जाता है भैया आपको मोबाइल रखा हुआ, इसको रखते हैं साइड में। भैया 27 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा आपको। अब यह टाइप सी पोर्ट यानी टाइप सी केबल देखने को मिल जाएगा। अब यह इसके बाद करते हैं मोबाइल की बात, इसे कर लेते हैं ओपन। और बहुत ही बढ़िया मोबाइल है, यानी आप इसका कलर देखेंगे बैक साइड में, काफी बढ़िया ग्रेडियंट लुक है। और साथ में भैया ग्लास बॉडी दी गई है, यानी आपका जो पकड़ने का ग्रिपिंग होगी, यानी कि आप जो उसे बहुत ही बेहतरीन लगेगा, यानी कि आपको बहुत ही मजबूत और काफी बढ़िया मोबाइल टिकाऊ मिलेगा। यानी कि इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का भैया बैक साइड में और फ्रंट साइड में दोनों साइड में भैया प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से काफी मजबूत मोबाइल हो जाता है। वहीं पर अगर बात करें हम भैया इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.39 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसी पर आपको देखने मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो कि बहुत ही फास्ट काम करता हुआ नजर आएगा। वहीं पर बात करें भैया इसमें कोई नॉच देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से क्योंकि उसमें आपको मिलता है पॉप कैमरा, 20 मेगापिक्सल का पॉप कैमरा देखने को मिलता है जो कि f2.0 अपर्चर के साथ काम करता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से भैया आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलती है, पूरा भैया आपका स्क्रीन मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया स्क्रीन देखने में लगता है। वहीं पर बात करें भैया इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर के मामले में बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 देखने को मिलेगा जो कि सबसे तगड़ा प्रोसेसर है भैया। इसमें आप भैया पबजी जैसे गेम जो भी गेम जितने भी गेम है भैया धड़ल्ले से खेल पाएंगे, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। यानी आप 25,000 रुपए में भैया फ्लेक्सिव मोबाइल यानी फ्लेक्सिव किलर मोबाइल होने वाला है। फ्लेक्सिव लेवल के जितने भी मोबाइल हैं उनको सबको यानी OnePlus 7 Pro को पूरी तरीके से टक्कर दे पाएगा, क्योंकि भैया इस पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भी भैया आपको मिलती हैं वो 50,000 रुपए में, और भैया इसमें आपको देखने को मिल रही है मात्र 25,000 में 50% डिस्काउंट, यानी बहुत ही बढ़िया फोन होने वाला है। इसमें आपको बैटरी मिलती है 4000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। वहीं पर भैया आपको इसमें 27W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी देखने को मिल जाता है। इसमें इस प्रकार की स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगी। वहीं पर बात कर लेते हैं इसके कैमरे की जो कि होने वाले हैं इसके हाईलाइट, भैया बहुत ही तगड़ा कैमरा देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको बैक साइड में भैया ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 48 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का ट्रिपल कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। 48 मेगापिक्सल का भैया आपको f1.79 अपर्चर के साथ काम करता हुआ नजर आएगा, जो कि भैया सोनी IMX586 का सेंसर होने वाला है। वहीं पर बात करें भैया इसके 13 मेगापिक्सल की, तो होने वाला है भैया अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि आपकी वाइड फोटो क्लिक करने में काफी अच्छी मदद करेगा। वहीं पर बात करें हम इसके भैया 8 मेगापिक्सल की, तो ये होने वाला है टेलीफोटो लेंस जो कि काफी बढ़िया कैमरा होने वाला है। यानी इसका जो ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा वो काफी जब पूरा के कॉम्बिनेशन बन के आपके सामने जो फोटो भैया प्रेजेंट होगा वो काफी बढ़िया फोटो होगा, बहुत ही बढ़िया कैमरा होने वाला है। वहीं पर बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आपको मिलने वाला है भैया 20 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि काफी बढ़िया लगता है। ये मोबाइल देखने में बहुत ही प्यारा देखने में लगता है, एकदम नया लुक दिया गया है रेडमी के 20 प्रो को। और भैया ये शायद जब इंडिया में आए, अभी कंफर्म नहीं है, जब इंडिया में आएगा तो भैया हो सकता है ये पोको F2 के नाम से आए, अभी कोई कंफर्म नहीं है, हम नहीं ये कह सकते कि पोको F2 ही होने वाला है। तो भैया फाइनली बात कर लेते हैं इसकी स्टोरेज की प्राइस की, तो इसके भैया आपको चार वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, 6GB 64GB 6GB 128GB 8GB 128GB 8GB 256GB। इसका जो बेस वेरियंट होने वाला है भैया 25,200 रुपए का, मतलब कि वहां चाइना में भैया लॉन्च हुआ है। वहीं पर बात करें इसके जब यहाँ पे मतलब कि अगर मतलब युआन को अगर कन्वर्ट करते तो कुछ इस प्रकार का प्राइस होने वाला है। जब इंडिया में आएगा तो शायद 25,000 का आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग 25,000 का ही देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करें इसके जो सेकंड वेरिएंट की, वो मिलने वाला है आपको 26,000 का। वहीं पर बात करें इसके थर्ड वेरिएंट की, तो वो मिलने वाला है कुछ 28,000 का। अब या इसका जो तीसरा चौथा वेरिएंट है सबसे हाई वेरिएंट 8GB 256GB वाला, वो मिलने वाला है लगभग आपको 30,000 रुपए का। काफी बढ़िया कैमरा होने वाला है इसका, काफी अच्छी डिस्प्ले होने वाली है, काफी बढ़िया कैमरा मोबाइल पर होने वाला है। ओवरऑल एक काफी बढ़िया पैकेज है, आपको 25,000 में इस प्रकार की स्पेसिफिकेशन कोई भी मोबाइल प्रोवाइड नहीं कराता है। तो भैया आपको किस तरीके का मोबाइल लगा? अब भैया अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भैया इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो भैया आपको किस तरीके का मोबाइल लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप भैया जब इंडिया में आएगा तो क्या इसे खरीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, हमें ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भैया ये किस मोबाइल को पूरी तरीके से बीट कर पाएगा या भैया टक्कर दे पाएगा, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी आपके आचार विचार हो सारे कमेंट बॉक्स भर दीजिए, और अपना प्यार दिखाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।